नमस्कार दोस्तों, यश डाटा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यश डाटा न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए बीजेपी पॉलिटिशियन विशाल भगत जी जुड़े हैं, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी चीज की शुरुआत की है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो विशाल भगत जी, पहले तो यश डाटा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में भी आपने सबको सही समाचार लोगों तक पहुंचाया इस कोविड के काल में भी। और हमने कोविड में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो मुख्य धारा जो बहाया है उन्होंने, उसमें एक समाज जो ज़्यादा ही विचलित हो गया था कोविड में, वो था किन्नर समाज, और उन लोगों को शिक्षित करने के लिए श्री महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, जिसकी चेयरमैन मेरी बहन रेखा त्रिपाठी है, और हम लोगों ने किन्नर विद्यालय का शुरुआत वसई में बौद्धीपाड़ा में शुरुआत किया है। ओके सर, तो जिस तरह से आपने मुझे बताया कि आपने किन्नर विद्या मंदिर की शुरुआत की है वसई में, तो सर आपका ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया कि हमें किन्नर विद्या मंदिर शुरुआत करनी है, और वसई में क्यों की आपने ये शुरुआत? सबसे पहले तो यहाँ पर जितना भी जगह देखिए तो आज के डेट में मैंग्रोव के ट्रीज को काट के लोग वहाँ पर स्कूल के नाम पे अवैध कब्जा करवा रहे हैं, हर जगह हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने अपने संस्था के माध्यम से इस स्कूल का निर्माण किया है, और चार साल पहले से लगातार चार साल से हम लोग दुर्गा का पूजा ग्रैंड रोड में करता हूँ, और उस माता की पूजा में जो मुख्य मट्टी जो दिया जाता है वो ट्रांसजेंडर किन्नर समाज के द्वारा ही आता है। आप लोग को मालूम होगा हिंदू में ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसी समय इन लोग कार्यक्रम में आरती करती थी आके और अपनी बातें बताती थी, अपनी बहुत से चीज़ों को इन लोगों ने बताया। तो सबसे मुख्य चीज़ देखा हमने कि रोजगार और शिक्षित करना इन समाज को बहुत ज़रूरी है। इनकी एक संस्था की जो मेन किन्नर समाज की जो एक मुख्य भूमिका निभाने वाली मेहंदी, पारस ठाकुर, चांदनी, प्रदीप, ये लोग से जब मेरी मुलाकात हुई तो इन लोगों ने कहा कि हमारे समाज भी शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हमें लोग शिक्षित कर सकें। तो हमने उसी समय प्रण लिया था, मेरी बहन चेयरमैन जो है रेखा त्रिपाठी ने के सहयोग से आज वसई में किन्नर विद्यालय का स्थापना किया गया है, जो ओपन अभी फिफ्थ क्लास तक होगा पढ़ाई, उसके बाद ओपन विद्यालय ओपन स्कूल के माध्यम से उनको टेंथ का भी एग्जाम दिलाया जाएगा। आज वसई में आप लोगों के लिए किन्नर विद्यालय के नाम से स्कूल किया जा रहा है, और मेरा प्रयास है कि वहाँ पर आप लोग, क्योंकि अब क्या है वसई दूर है, अगर यहाँ पर भी जगह मिलेगा तो मैं जगह लेके यहाँ पर भी स्कूल स्थापित करूँगा। तो जिस तरह से आपने कहा कि ये विद्यालय वसई में है, तो या ये विद्यालय सिर्फ वसई के लोगों के लिए है क्या, या फिर जो भी ट्रांसजेंडर है, जो कि साउथ बॉम्बे हो गया या फिर सेंट्रल लाइन हो गया, तो सभी के लिए क्या, खाली वसई के ट्रांसजेंडर के लिए है? अभी 25 लोग एडमिशन लिए हैं वसई में, और ये लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसजेंडर रहते हैं तो मालवानी में रहते हैं, वहाँ भी हम लोग कुछ प्रयास करेंगे इस प्रकार का स्कूल चलाने का। दूसरा, वहाँ पर संतोष भाव, नाला सुपाड़ा, वहाँ के लोग वहाँ पर अधिक सम्मिलित होंगे। शिक्षित होने से आप लोग गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, जो आपके समाज को बदनाम किया जाता है वो बदनामी नहीं होगी। इन लोगों का शिक्षित करना और इन लोगों को रोजगार से जोड़ना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और सरकार से हमने दो चीज़ का मांग किया है। एक तो मांग किया है ट्रांसजेंडर के टॉयलेट सेपरेट होने चाहिए, शौचालय सार्वजनिक जगह पे होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा परेशानी इन लोगों के साथ में होता है। जिस प्रकार हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, वुमेंस डे मनाते हैं, उस प्रकार से ट्रांसजेंडर डे भी होना चाहिए 6 जून को, ताकि इन लोगों को भी हम लोग सम्मान दे सकें और ये लोग भी सम्मान के साथ में जी सकें। महिला दिवस मनाते हैं, पुरुष दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो हमारा कहना है कि ट्रांसजेंडर दिवस क्यों नहीं, किन्नर दिवस क्यों नहीं,
जिसके लिए हमने सरकार से मांग की है 6 जून को किन्नर दिवस मनाया जाए। तो सर आपने जिस तरह से मुझे कहा कि 6 जून को ट्रांसजेंडर डे सेलिब्रेट होना चाहिए, तो सर 6 जून को ही क्यों ट्रांसजेंडर डे सेलिब्रेट होना चाहिए? क्योंकि हम लोग 6/6 का माने रखते हैं और 6 जून मतलब 6/6, इसीलिए 6 जून को ही ट्रांसजेंडर लोग का डे होना चाहिए। जिस तरह से हम कोरोना काल से चल रहे हैं और ऐसे बहुत सारी विद्यालय इस दौरान खुली है, नॉर्मली स्लम्स एरिया के लिए खुली है या फिर जिनके माता पिता जो कोविड के कारण एक्सपायर हो गए उनके लिए खुली है, पर सर आपने एक डिफरेंट टॉपिक को चूज़ किया, किन्नर की विद्यालय को चूज़ किया, तो सर ये किसके लिए किया, आपको ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? सर ये किन्नर विद्यालय में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अदर्स स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते हैं। जो पैसे से अभाव है, जिनको अभाव है, शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनके परिवार भी वहाँ पर उन लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, किन्नर विद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं निःशुल्क। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी का भी एज लिमिट नहीं दिया गया है कि इतने एज के लोग ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और क्राफ्ट के माध्यम से अदर्स एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होगा जिसके माध्यम से वो लोग रोजगार से जुड़ पाएंगे। ओके सर, तो जिस तरह से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे मुंबई की लोकल ट्रेन यानी मुंबई की जान मानी जाती है जिसको महाराष्ट्र सरकार ने अभी बंद करके रखा है, वही दूसरी और बस की बात करूँ तो बस चालू है, पर जो आम इंसान है जिसको 10 रुपये में वो 10 या 15 रुपये में चर्चगेट पहुँच जाता है, वो अगर आज विरार से अगर उसको चर्चगेट ट्रैवल करना है तो करीब 200 से 300 रुपये लग जाते हैं। तो सर क्या आपको ऐसा लगता है कि लोकल ट्रेन में कोरोना है और बसेस में कोरोना नहीं है? सर इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। ये कोविड के चलते कितना महीना और परेशान होना पड़ेगा इसका कल्पना नहीं कर सकते। आए दिन घटना घट रहा है, जैसे आपने देखा होगा वायरल एक वीडियो हो रहा था जिसमें एक मिडिल क्लास का लड़का वो बताता है अपने बारे में कि 600 रुपया उसके पॉकेट में है, जिसमें 400 रुपया का उसको राशन का किराना का दुकान को पैसा देना है, ऐसे में उसको पुलिस पकड़ता है ट्रेन में तो वो क्या करे, ऐसा स्थिति हो जाता है अपने मिडिल क्लास वाले लोगों का जो सरकार को टैक्स हरदम पेमेंट करते हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीन ही ओनली सॉल्यूशन है, पर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महीने में ऐसे 2-3 दिन ऐसा निकल जाता है जहाँ पे शॉर्टेज होती है, तो सर आपको क्या लगता है कहाँ कमी आ रही है हमारी सरकार में? देखिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 21 जून से आह्वान किया है कि सबको मुफ्त में वैक्सीन मिलेगा, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का कम्युनिकेशन इशू के चलते आज वैक्सीनेशन का शॉर्टेज महाराष्ट्र में हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर कोविड के पेशेंट फिर से बढ़ रहे हैं ये बहुत ही चिंता करने वाली बात है। मेरा जन्मदिन है 18 जुलाई को, मैं सबसे पहले अपने तमाम जो भी हमें देख रहे हैं उन लोगों से मैं उपहार मांगना चाहता हूँ कि आप लोग वैक्सीन लगाइए और अपने परिवार को बचाइए। सर आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। तो ये थे विशाल भगत जी जिन्होंने यजडेडा के माध्यम से काफ़ी सारी बातें की। आगे की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए यजडेडा न्यूज़ से। मैं विशाल मुकेश अंबानी।